इधर 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 की तरफ भी ले चलना पीछे गाड़ी रख। अच्छा जी, तो पीछे गाड़ी छोड़ देते पड़ रहे हैं। अरे ढीले नहीं पड़ रहे। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, इधर आ जाओ भैया। अरे ये रे शर्मा जी, आगे आ जाओ। अरे अरे भाई साहब इधर आ जाओ। बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। फेस रे कर लेना, फेस बाबूजी से कर लेना। काफी बड़ी माला लाई। बाबा जी इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ बाबा। छोड़ दो, नीचे छोड़ दो आगे से। इधर देखो, इधर देखो, व्यक्ति बना लो। बाबा देखो, बाबा इधर देखो। अरे भाई साहब तुम भी लो। मैं तो हाथ पहले पे और देखें, नोट की माला भी पहनाई जाएगी। भाई साहब इधर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डारी जिंदाबाद। सामने आप आ थोड़ा पीछे बोल जाओ। आदरणीय हमारे विधायक नीरज शर्मा जी एवं अपनागढ़ सोसाइटी के प्रधान राकेश शर्मा जी, मास्टर जी एवं अन्य उपस्थित सभी हमारे अपना घर सोसाइटी के सदस्यों, आज मिठाई मिठाई आज हम लोग के बीच में हमारे विधायक जी नीरज शर्मा जी उपस्थित हैं। चुनाव का माहौल है, आज हम सभी लोगों को
अगले 5 सालों के लिए अपना नया मुखिया चुनना है और विधायक जन प्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है और हमारा मुखिया होता है। ये 5 साल तक हमारे बीच में हमारे जन प्रतिनिधि रहे, अपना घर सोसाइटी की बहुत सारी समस्याएं रही। मैं कुछ उन समस्याओं में से छोटी सी कुछ समस्याएं हैं मैं इनके बीच में रखना चाहता हूं और आगे यदि ये दोबारा हम लोग इनको लाते हैं तो ये आगे उन समस्याओं के बारे में क्या करेंगे ये मैं शर्मा जी से आश्वासन चाहूंगा। समस्या मुझे बता दूंगा, कोई रह गया तो ये अपनी जो दुख दर्द है आज आप हमारे बीच में आए हैं, हम अपना दुख दर्द आपके बीच में रखना चाहते हैं और देखिए यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी समस्या है अपना घर सोसाइटी की कि ना हम हिंदू हैं ना तुर्क हैं, ना हम सोसाइटी है ना हम कॉलोनी है। इसके बारे में कितनी भी सरकारें आई और सरकारें गई लेकिन हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। चुनाव के टाइम में हम सभी लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है और मूलभूत समस्याएं जो पानी की है, सड़क की है, इन सारी समस्याओं से शर्मा जी यही के हैं, निवासी हैं और सभी समस्याओं से अवगत हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आदरणीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे सोसाइटी वासियों को अपने विचार से अवगत कराएं। धन्यवाद। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और घर में बैठी बहनों को हाथ जोड़ के राम। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्ट भाजपा के 10 साल के राज में हर कोई दुखी है और अपना घर ने तो सबसे ज्यादा तकलीफ झेली, वो बात आपकी सत्य है। ना तो ये संजय कॉलोनी में, ना ये कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जिनकी हो, पानी की भी समस्या है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत निवारण हुआ है, काम चला, सीवरेज की भी है, अंदर की सड़कों की भी है और सबसे बड़ी समस्या मुझे पता है लोगों की कि बगल में संजय कॉलोनी है उसका रेट कुछ और है और यहाँ का कई 1000 रुपए का जो डेवलपमेंट चार्ज, वो जाते जाते समस्या पता भी लगी थी, प्रधान जी और काफी लोगों के संग चर्चा भी हुई थी, कमिश्नर का टाइम भी मांगा कई बार, उन्होंने समय नहीं दिया। ये वायदा भरोसा रखना, अपना घर में पहले बिजली की भी बहुत समस्या थी, ट्रांसफार्मर भी छोटा था, बिजली का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बाबा के टाइम में ही सुधरा। अब सुभाष जी रहे नहीं यहाँ पर, मेरे ख्याल से शिफ्ट हो गए थे, सबसे ज्यादा बिजली के लिए फोन करते थे। काम तो कांग्रेस के राज में ही हो सकते हैं, बाकी के राज में नहीं हो सकते। मेरी मेहनत में कमी रही हो तो बातचीत है और मैं राकेश भाई साहब को अपडेट करता भी रहता था, चिट्ठी भी लिखी हम लोगों ने, पर सरकार ने बड़ा उदासीन रवैया रखा। आपको एक वायदा भरोसा दिलवाता हूं, कांग्रेस की सरकार में वो जो आपने कही थी ना हम हिंदू रहे ना तुर्क रहे, तो कहीं ना कहीं एक जगह जरूर फिट हो गए, बीच में नहीं हो। और बल्लमगढ़ सोना रोड जिस पे डेली जाम से आप फंसते हैं,
मैंने 5 साल कोशिश की इसको नेशनल हाईवे का दर्जा मिल जाए, जिससे आपको जाम से छुटकारा मिले और समस्याओं से छुटकारा मिले। हुडा साहब से मेरी बात भी हो गई है। सबसे पहले तो ये 27 किलोमीटर का पैच है, इसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिलवाऊंगा, जिससे बहुत सी चीज़ें आपको बिना कहे ही मिल जाएंगी। सीवरेज, पानी, सड़क, ये 3 चीज हमारी डिमांड नहीं हो सकती, ये हमारा हक है। हम पैसा देते हैं सरकार को, टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं। और हुडा साहब ने भरोसा दिलाया नहर का पानी दूंगा, पूरी NIT 86 का इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से भर दूंगा, क्योंकि उनको पता है विधानसभा में मैं सीवरेज को लेकर कितना तड़पा हूँ। 54 दिन नंगे पैर चलना, 103 दिन कफन पहनना, किस लिए? कि लोगों के काम हो जाए, सरकार सुनवाई नहीं करे। उसके साथ साथ हुडा साहब ने एक वादा और किया है, इसकी आवाज आ रही है ना अब तक? ये अच्छी बोल रही है, ये वाला ये अच्छी बोल रही है, चलिए इससे काम चला लीजिए सर। कि हुडा साहब ने एक वादा और किया है, फरीदाबाद से गुड़गावा मेट्रो चलाएंगे। जब वो मेट्रो चलेगी तो भैया मेट्रो स्टेशन हार्डवेयर प्याली चौक पे चाहिए या पीके चौक पे चाहिए? प्याली पे जो चाहिए पूरी जनता प्याली की भाई जाती है। नहीं जाएगी, प्याली पे क्यों चाहिए, कारण क्या है प्याली पे मेट्रो स्टेशन? सेंटर पॉइंट तो पीके भी है, और कोई कारण? सेंटर ये जनता यहाँ ज्यादा है, कॉलोनी और कोई कारण से विधायक अपना होगा तो नहीं पाएगा, विधायक होगा तो फिर हमारे पास तो बनेगा ही बनेगा ना प्याली। और जनता भी ज्यादा है, कॉलोनी भी ज्यादा है, आम पब्लिक ज्यादा है। का सबसे बड़ा कारण है प्याली चौक नजदीक है, पीके चौक दूर है, हार्डवेयर चौक नजदीक है, पीके चौक दूर है। तो भैया जब मेट्रो स्टेशन नजदीक का चाहिए तो विधायक भी नजदीक का चुन लो, बाहर वालों को मत चुनो। कहाँ जाएंगे 3 नंबर लगाते, यहाँ कम से कम गोची ग्रीन का पुल पार करो घर पहुंच गए। और काम सारे हुडा साहब ने किए, उन्होंने कहा मेट्रो चलाऊंगा तो बदरगढ़ तक चलाई, उन्होंने कहा बदरपुर फ्लाई ओवर बनाऊंगा तो बनाया, उन्होंने कहा ESI मेडिकल कॉलेज खोलूंगा तो खोला, उन्होंने कहा गोची ग्रीन का उद्धार करूंगा तो किया, उन्होंने कहा खेड़ी में कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। और उसके साथ साथ हुडा साहब ने एक चीज के लिए हमने और कन्वेंस किया, कांग्रेस की रात में बगल में संजय कॉलोनी में दशहरा मनाते थे, 10 साल से भाजपा ने दशहरे की परमिशन भी नहीं दी। हमारा दशहरा बना भाजपा के राज में, कांग्रेस के टाइम में बनता था। तो साथियों वो जो पहुंची ट्रेन पे बावन से आगे कोई जगह पर पड़ी है खाली, वहां पर बढ़िया छठघाट बनेगा, पार्क बनेगा और परमानेंट दशहरा ग्राउंड बनेगा, कि जिससे हमें दशहरा मनाने दूर ना जाना पड़े। उसके साथ साथ भाजपा के राज में हम प्रवासियों पे सबसे ज्यादा जुलम हुए, हमारे किसी ने पीटा तो भाजपा के राज में मजदूर को पीटा, मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा, सामूहिक रूप से खिचड़ी बनवा के बंटवाई गई और मजदूरों को नौकरी से निकाला। उस दुख दर्द को देखते हुए हुडा साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर, जिसमें सिर्फ प्रवासियों की सुनवाई होगी, प्रवासियों की बात रखी जाएगी। और अब की बात, छठ का त्योहार करते हैं ना, कौन कौन करते हैं यहाँ? तो भैया अब की बात, छठ पे हुडा साहब ने सरकारी छुट्टी की भी घोषणा की, ये हमारी NIT 86 का मैनिफेस्टो। उसके अलावा पूरे हरियाणा के लिए 18 से लेकर 60 साल की महिला को हर महीने 2000 मिलेंगे, पेंशन 6000 होगी, और कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं, कोई होटल नहीं, कोई फैमिली आईडी नहीं, कोई पोर्टल नहीं, सबको मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री, सिलेंडर 500 का मिलेगा, राजस्थान की तरह 25 लाख की स्कीम लागू होगी इलाज कराने के लिए, चाहे देश में कराओ चाहे विदेश में कराओ। 2 लाख सरकारी नौकरी खुलेंगी और वो नौकरी भाजपा की तरह नहीं होगी, पर्चा लीक, भर्ती दफ्तर में पैसे पकड़े जा रहे हैं, जो रस्ते से गुजराती भर्ती हो रहे हैं
वो नौकरी लगेगी अपना घर की संजय कॉलोनी की, एनआईटी की, जीवन नगर की, पटपर की, जवाहर कॉलोनी की, पर्वतिया कॉलोनी की, डबुआ कॉलोनी की, नरला किले की, गाँव की, फरीदाबाद के लोगों की लगेगी, हरियाणा के लोगों की लगेगी। तो मेरी विनती यही है, और विनती भी क्या भैया, कुछ मांग भी सकते हैं, पितृपक्ष चले, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा पूछ होती है, नेता के साथ साथ ब्राह्मण भी कथा भी करके जाते हैं, यहाँ भी दो चार बार सुना के गए। तो भैया इस ब्राह्मण को सरा दो, मैं अब 5 दिन रह गए चुनाव, वैसे तो देखो मान सम्मान भी दे रहे हो, वोट भी दे रहे हो, सपोर्ट भी दे रहे हो, पंडित जी ने नोट भी भरपूर दे दिए, भैया ये अपने 5 दिन और, 5 दिन सारे ही नीरज शर्मा, ये मत सोचो कि मुझे यहाँ लेके जाना है, मुझे वहां लेके जाना है, अपनी वोटों से मिलवाना है, अपना घर में भी सब ज्यादातर 1986 से आए, कॉलोनियों से ही आए, 5 दिन बच्चा बूढ़ा जवान हर व्यक्ति नीरज शर्मा बन जाए, नीरज शर्मा बन के प्रचार प्रसार करे, नीरज शर्मा बन के सारी बातें समझाए। एक प्रचार को दूंगा, उस पर एक नंबर है, उस नंबर पे सबने मिस्ड कॉल मारनी है, और जहां भी जाए वोट बनाए उस नंबर पे मिस्ड कॉल करवा दे, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मुझ तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी।